सनाया ने बनाया गौतम हेगड़े के लिए रसमलाई। जी हाँ, गौतम हेगड़े का जहाँ भी तो दिन ही बर्थडे था और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद गौतम हेगड़े आ पहुँचे हैं सनाया रानी और मोहित सहगल के घर। वहीं इनको बहुत स्पेशल फील करवाने के लिए सनाया ने अपने हाथों से रसमलाई बनाई है और अपने गट्टू यानी कि गौतम हेगड़े को दिया है। वहीं बता दूँ, गौतम हेगड़े काफ़ी ज़्यादा खुश है सनाया रानी के हाथों से रसमलाई बनाई हुई खाते हुए। वहीं कहीं ना कहीं सनाया रानी ने अपने गट्टू का बर्थडे भी फिर से सेलिब्रेट कर दिया है। जी हाँ, जहाँ गौतम हेगड़े के घर पर पार्टी हुई थी, वहीं फिर से सनाया रानी के घर में छोटी सी मिनी सी पार्टी देखने को मिली है। जी, वो भी रसमलाई की पार्टी। फिलहाल जो है, गौतम हेगड़े काफ़ी चाव से खा रहे हैं क्योंकि उन्हें खाना बहुत पसंद है और रसमलाई के क्या कहने। वहीं सनाया काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही हैं गट्टू के घर आने से। बता दूँ, सनाया रानी मोहित सहगल दोनों अकेले रहते हैं और कहने के इनके दोस्त हमेशा ही इनके यहाँ आते रहते हैं। वहीं गौतम हेगड़े भी आ चुके हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तीनों दोस्त मिलकर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं उस ब्यूटीफुल से मोमेंट को। वहीं सनाया बेहद ही प्यारी लग रही हैं और गट्टू को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फील करवाई है रसमलाई बनाकर। फिलहाल बहुत ही प्यार तस्वीर सामने आ रही है सहगल परिवार की तरफ।